अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जीशान और आपको वेलकम करता हूं जी व्लॉग्स पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं हेलमेट हाउस पे, जहां पे आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के हेलमेट्स मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से मिल जाएँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। अच्छा वहीद भाई, नंबर और एड्रेस मैं वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ शेयर करें आज की हेलमेट की कलेक्शन जो आपके पास। जो सर आज हम आपको दिखा रहे हैं डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है वेक्टर के नाम से। अच्छा। और फ्लिप अप हेलमेट होता है, ये बड़े बाइकर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर बड़े बाइक से ले कर जाते हैं। और पैडिंग इसकी वॉशेबल होती है, सही है, ये देखें सही उतर जाती है, ये ईज़िली वॉश हो जाता है। ये भी यहाँ से भी अंदर से भी निकल आती है, ठीक है। ये पूरी वॉशेबल पैडिंग है, ये वेक्टर और जिकाई एक ही चीज़ है, एक ही ब्रांड है। और ये हमारा सबसे ज़्यादा वेक्टर हेलमेट आपने शॉप में चेक किया होगा, वेक्टर ही ज़्यादा लगा हुआ, सही है बिल्कुल। और इसके वाइज़र भी मिल जाते हैं ब्लैक और ब्लैक कलर, मल्टी शेड और क्रोम में, ठीक है। तीन वाइज़र हैं इसके, चार वाइज़र वाइट में भी आ जाता है, पांच इसमें ग्लासेस भी है, ठीक है। ये देखें और ये सर्टिफाइड होते हैं, ये स्टंप पीछे लगी होती है इसके, डॉट के डॉट सर्टिफाइड होते हैं, अच्छे सेफ्टी करते हैं यानी कि, सही है। और सर इसकी प्राइस अभी 11,500 है। नेक्स्ट में इसमें ये कलर वगैरह मेंशन हो जाते हैं, ये कलर आ जाते हैं इसमें, फंकी ये ज़रा ऐसा कलर, बहुत बड़े बाइक्स वाले ना बड़ा बहुत लाइक करते हैं इसको। इसमें बाद ये आ जाता है, ये तो उससे भी ज़्यादा कलर ये लाइक करते हैं। इसमें शाइन भी है, मैट भी है, अच्छा दोनों मिल जाएंगे। तो ये भी सेम कंपनी, ये सेम कंपनी वेक्टर के नाम से, ये भी वेक्टर, दोनों वेक्टर के, हाँ जी वेक्टर के नाम से। प्राइस इनकी सेम है। नेक्स्ट कौन सा, इसमें नेक्स्ट वेक्टर के नाम से आता है, ये कम रेंज में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी ही वेक्टर ही है, इसमें दो कलर्स हैं, एक ब्लू है और एक रेड और ब्लैक आ जाता है इसमें। और इसमें क्रोम वाइज़र है, इसमें वाइट वाइज़र भी मिल जाएगा आपको, ये क्रोम वाइज़र के साथ है। ऑलरेडी इसमें ब्लैक वाइज़र भी है, अच्छा अंदर लगी हुई जी, ग्लासेस भी है इसके अंदर। ये प्रोडक्शन के लिए आपकी, यानी कि हम सर्दियों में ऐसा होता है कि बाफ है उसके लिए, ये है कि शीशा भी बाफ नहीं बनने देता। ये वेंटिलेशन है फ्रंट पे, ये ऊपर भी है, इस पर वेंटिलेशन है इसकी, ठीक है, ये ऊपर आ गई, हाँ वेंटिलेशन आ गई। और ये सर्टिफाइड हेलमेट है, डॉट सर्टिफाइड, कम रेंज में आ जाता है, सही है। अक्सर बड़े हेलमेट नहीं खरीदारी हो जाते, ये 8,000 की रेंज में आ जाते हैं हेलमेट। ये फ्लिप अप हेलमेट है, ये बटन लगा होता है रेड कलर का, ठीक है। इसमें उसके बाद वेक्टर के नाम से उससे भी कम रेंज में आ जाते हैं हेलमेट, वेक्टर के नाम से है, ठीक है। और ये इस पर ग्राफिक देखें बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और ये ओपन हो जाता है और इसमें ये अंदर वाइजर भी लगा होता है। ये चीज़ आप चेक करें, इसकी पैडिंग भी वॉशेबल है, ये कम रेंज में आ जाता है, ये देखें ये कम रेंज में आ जाता है, ठीक है। ये 6,000 रुपये की रेंज है इसकी अभी, अच्छा। ये पैडिंग पूरी की पूरी आप वॉशेबल है, ठीक है। धोने का तरीका कार ये है कि इसकी टेप उतारें, दोबारा इसी तरह टेपिंग कर लें, अच्छा। कपड़े को वैसे उसमें सर्फ एक्सेल में थोड़ा सा मिक्स करके ये नहीं कि इसको वॉशिंग मशीन में धोने लग जाए, हाथ से थोड़ा बहुत बस, हाँ हाथ से, हाथ से ही करना है, पानी के अंदर बस टानी से थोड़ा सा निचोड़ दें और उसको सूखने के लिए रख दें। और ये भी ऐसे है, पानी में सर्फ में डालें और इसको निचोड़ दें, जबरदस्त। ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, और दोबारा इसी तरह इसको फिक्स कर सकते हैं आप इजीली। इसको दोबारा थर्मा कपड़ा लगाना थर्मापोल के ऊपर, टेपिंग जैसे लगी है इस तरह टेपिंग कर देनी है, उसके बाद इसको थर्मापोल इसमें। एक चीज़ का ये चेक करना आपने, जब भी लगानी है ये चीज़ बाहर रहनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें ना बाहर आनी चाहिए आपकी। अब ये इजीली उसके बाद ये आपने ये लगानी है, और इसकी पोशिश वगैरह भी हो जाती है इसके अंदर से, फिलिंग वगैरह अगर रिपेयरिंग करवानी किसी भाई ने अगर नहीं वो धो सकता, वो हेलमेट हाउस पर तशरीफ़ लाएँ, उसको हेलमेट का वॉश करके भी देंगे और इसकी फिलिंग करके भी देंगे, ठीक हो गया। अक्सर ये अक्सर उसके चार्जेस होते हैं वॉश करने के 500 हैं, ठीक है। और इसकी जो फिलिंग करके मुकम्मल लें तो फिर वो 800 रुपये, ठीक हो गया।
अक्सर लोग नहीं प्रेफर करते खुद नहीं करते। यानी कि ये 6000 रुपए का है, यानी कि अब एक हेलमेट है, अब 6000 रुपए का हेलमेट है। सही है, तो प्राइस तो पहले कम थी अब ज़्यादा हुई है, तो जिस वजह से कस्टमर कहते हैं यार मैं पुराने को ही ठीक करवा लूँ, वो 700-800 रुपये लगाएँ अपना ये ठीक करवा लें। और इसका वाइज़र इजीली मिल जाता है हेलमेट हाउस रावलपिंडी मरी रोड पर, इसका वाइज़र मिल जाता है 1200 रुपये के। ठीक है, अभी रेट से ऊपर जा रहे हैं इसके, 1500 लोग सेल कर रहे हैं पर हम 1200 रुपये हेलमेट होल सेल पर 1200 दे रहे हैं। और इसमें ग्लासेज थोड़े से ऐसे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी बढ़ रही हैं ना, लेकिन आपने फिर भी और इसमें ग्लासेस भी आ जाती है ऑलरेडी। ये कम रेंज से स्टार्टिंग प्राइस शुरू होता है 6000 रुपये, यानी 6000 रुपये का। कलर वगैरह सारे मिल जाएंगे, ये सारे कलर मिलेंगे। इसमें एक कलर तो मिलेगा नहीं, यानी कि एक पीस का एक हेलमेट का एक ही कलर नहीं होगा, मुख्तलिफ कलर्स पड़े हैं। यानी कि एक और दो तीन चार पाँच पाँच छः किस्म के हेलमेट पड़े हैं मेरे पास फ्लिप अप में 6000 की रेंज में, और कलर ज़्यादा हो जाएंगे इसमें कलर का 6000 रुपये की रेंज में। इसके अलावा जो 6000 ऊपर ये कलर हैं इधर नीचे भी लगे हैं, वो नीचे आगे उधर उस तरफ भी लगे हुए हैं कलर। ये सारे जो है हाँ, ये नीचे वाली लाइन जो है, हाँ ये फ्लिप अप हेलमेट। ठीक है सर, ये वेक्टर के नाम से है, मीटर इस पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ ऊपर, ये पूरा आप देखें ना। आप रास्ते में जा रहे हैं 220 की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये साथ में आप रास्ते में कहीं भी रुक के इसकी स्पीड आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। इसमें भी ग्लासेस होती है, वेंटिलेशन है आगे फ्रंट पे भी, ये भी है वेंटिलेशन, और फ्लेक्सिबल होता है दूसरा, ये अनब्रेकेबल चीज़ है। क्वालिटी वाइज में ये देखें, इसके अलावा ये थाईलैंड का हेलमेट है और मीडियम साइज़ है इसका, ये आप चेक करें इसे और ग्राफिक चेक करें। और ये डिफरेंट कलर है, वेंटिलेशन इसकी बैक साइड पे सही है, ये फ्रंट पे सही है, ये इसे आगे वाले हिस्से पे ठीक है। ये ग्लासेस है वाइजर इसका, और ये ग्लासेस आ जाती है इसके नीचे सही है। अभी वॉशेबल पैडिंग है इसकी भी सही है। ये देखिए हाँ, ये वॉशेबल पैडिंग है सही है, ये निकल हाँ ये निकल जाएगी सारी जी। यहाँ ये मैक के लिए पीछे बैक साइड पे अपनी ये भी निकल आती है, अच्छा अपन लगानी लगा सकते हैं, उतारनी उतार भी सकते हैं। सही हो गया। तो इसकी क्या रेंज है? इसकी 19000 रुपये। और इसके इसके अलावा ये मोटोक्रॉस आ जाता है। अच्छा, मोटोक्रॉस हेलमेट है कम रेंज में, भाई किसी को चाहिए होता है तो अक्सर कहते हैं रेंज बहुत ज़्यादा है ना। अब 19000 रुपये का थाईलैंड का हेलमेट है वो, ये वाला ये 19000 रुपये का है, ये कम रेंज में 10000 की रेंज में आ जाता है ये वाला हेलमेट। जिस भाई को चाहिए हो तो वो 10000 की रेंज में ये हेलमेट हेलमेट हाउस रावलपिंडी मरी रोड पर तशरीफ़ ले आए और ये हेलमेट मिल जाएगा 10000 की रेंज में। और ये इसकी पैंटिंग है, ये 10000 रुपये का, और ये सर्टिफाइड हेलमेट होता है, डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है ये भी जी। काफ़ी खूबसूरत है ये भी, इसकी शेप बड़ी प्यारी है। और ये इसकी वेंटिलेशन है फ्रंट पे, ये देख। अच्छा, और ये ग्लासेस है इसकी आगे। सही है, ये वाइजर इसका ना, ये वाइजर ओपन हो जाता है। ठीक है, जबरदस्त। ये 10000 में, 10000 में। इसके अलावा हमारे कम रेंज में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी? ये हाफ फेस वैरायटी है, सर्टिफाइड हेलमेट है, डॉट सर्टिफाइड होता है। ठीक है, अक्सर लेडीज वगैरह के लिए ज़्यादातर ये अच्छा इस्तेमाल होता है ना। है, और ये वाइड लॉक भी हो जाता है, ये वाइड लॉक की जगह यहाँ से आप वाइड लॉक कर सकते हैं। और ये स्टम्प पीछे लगी होती है इसकी, डॉट सर्टिफाइड। ये स्टड का हेलमेट इंडियन नहीं आता था, वो सेम वही चीज़ है आप समझ अच्छा। लें। और ये 6000 रुपये इसकी प्राइस है, और वॉशेबल पैडिंग है इसकी, ये देखिए इसकी पैडिंग भी वॉशेबल है और साइज़ भी मीडियम है। ये स्कूटी वगैरह पर भी इस्तेमाल हो सकता है, और नॉर्मल बाइक पे भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद आ जाता है ये हाफ फेस बुराक के नाम से चाइना का हेलमेट है। अच्छा, ये वाला ठीक है, इसकी भी प्राइस आपको 3500 रुपये में मिलेगी, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक हो गया। और इसमें जो लोकल आता है वो 1700-1800 रुपये का सेम यही डिज़ाइन होता है। ठीक है, वो भी मिल जाता है, अभी वो ख़त्म हुआ वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा हाफ फेस कम रेंज में आ जाते हैं ना ब्लैक वाइजर के साथ। ठीक
क्या है? अक्सर धूप से बचे हैं ये ब्लैक वाइजर, लेडीज़ वगैरह पहनती हैं तो उनके लिए ब्लैक वाइजर लगाया गया, साथ ये 1500 की रेंज में आ जाते हैं। 1500 की कम प्राइस में। ये जो रेड पड़ा हुआ है, ये रेड वाला सेम यही चीज़ है, डॉट सर्टिफाइड है। इसमें कलर वगैरह मेंशन हो जाए, कलर आपको इसमें मैट ब्लैक भी मिल जाएगा, शाइन ब्लैक भी मिल जाएगा। शाइन ब्लैक से यानी कि ये शाइन ब्लैक फुल ब्लैक होगा, ये कलर आ जाता है, इसमें डिज़ाइनिंग आ जाती है, ये कलर वगैरह इसमें पड़े हुए हैं। इसके बाद यूराइस के नाम से चाइना का हेलमेट है, ठीक है। ये वाला यूराइस और इसकी भी प्राइस 3000 रुपये है। ग्रारी वाला शीशा लगा होता है, ठीक है। पैडिंग वगैरह इसकी अच्छी हुई है, कोशिश वगैरह अच्छी है इसकी। इसके अलावा ये आगे चले, चाइना का वेक्टर के नाम से हेलमेट है ये वाला, ये इसमें सारे कलर वगैरह मौजूद हैं अभी। ये आप चेक करें, इसमें कलर डिज़ाइन जैसे देखें, ये मैट में आ जाते हैं, शाइन भी आ जाते हैं। सही है, ये देखें। इसके अलावा ये देखें, एक ही डिज़ाइन में, एक ही कंपनी के है ना डॉट्स, ये कम रेंज में आ जाते हैं थोड़ी सी। ये 4000 की प्राइस है इसकी। सही है। और इसकी अंदर से पैडिंग है, डे नाइट वाइजर लगा होता है इसको। सही हो। और ये बहुत ही प्यारे कलरों में आए हैं इस दफ़ा ना, ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये बुराक के नाम से फुल ब्लैक आता है, ब्लैक वाइजर के साथ होता है, पैडिंग इसकी आप चेक करें अंदर से, क्या बात है। इसकी भी प्राइस 3000 रुपये है, ये चाइनीज़ हेलमेट है। और इसके अलावा आगे जो खास खास चीज़ें ये आप चेक करा रहे हैं, ये एडोरा के नाम से है, अच्छा। मोटी पैडिंग के साथ है अंदर से, पैडिंग आप इसकी चेक करें, इसमें लोकल भी आता है, ये चाइनीज़ है, ठीक है। चाइनीज़ का ये फ़र्क होता है कि आपकी पैडिंग अच्छी मिलेगी आपको इसमें, सही है। जो लोकल होगा वो पैडिंग उसकी कम होगी, इसमें लोकल भी पड़ा हुआ है, लोकल ये टैक के नाम से आ जाता है, यही चीज़ यही है। अब ये चीज़ है, ये 1200 रुपये की है और यही चीज़ आपको 3000 रुपये की है। अडोरा ये चाइना है, ये लोकल है। अच्छा, कहते हैं हमारे पास ये ब्राक के नाम से मैट ब्लैक फुल ब्लैक वाइजर के साथ होता है, पैडिंग इसके अंदर से आप चेक करें, ये 3500 रुपये का है। और इसके अलावा ये आ जाता है जैन का हेलमेट आ जाता है, ये 1500 की रेंज में कम प्राइस में होता है। और इसके अलावा ये वेक्टर के नाम से आता है, ये रेड इसमें कलर होता है, कलर इसमें काफ़ी है, सही है। ये मैट ब्लैक भी हैं और ये रेड भी है इसमें, ये मैट ब्लैक और ये रेड है। इसमें कलर और भी प्यारे कलर हैं, ये पड़े देखें, ये बहुत ही प्यारा कलर है इसमें, ज़बरदस्त। ये ब्लैक ही मैंशिंग है, इसमें ब्लू आ जाता है, ब्लैक ब्लू आ जाता है। ये भी वेक्टर के नाम से, इनकी प्राइस जो है 1500 रुपये है, 1500 रुपये। और इसके अलावा ये कलर वगैरह इसमें पड़े हैं, ये वेक्टर के नाम से, ये अच्छा हेलमेट है, अनब्रेकेबल है, टूटता नहीं है। इसी में ये ब्लू और नहीं, ब्लू ये और चीज़ है, ये जैन, ये इस ये 1500 रुपये का प्राइस यही है, ठीक है। ये क्वालिटी से अनब्रेकेबल है, अच्छा। आप इसके ऊपर बेशक खड़े हो जाएं, ये देखें ये फ्लेक्सीबल होता है, लचक खाता है, सेफ्टी आपकी इसमें होती है इंशाल्लाह। बाकी ये कहते हैं ना टूटता नहीं है, टूट तो ये भी जाता है, बस इसमें थोड़ी सी बेहतरी है, कि थोड़ी कस्टमर आता है दुकान पे, हेलमेट ऐसा दें कि टूटे ना, तो हम तो ये कहते हैं यार, दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है कि हेलमेट तो बस टूट ही जाते हैं, ये कोई फ्लेक्सी लचक खा जाते हैं, ये देखे ना इसको, अगर किसी को कोई इशू आता है तो इसमें सेफ्टी करते हैं इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो ये कम रेंज में अच्छे हेलमेट हैं, यानी कि वेक्टर के नाम से ये 1500 की रेंज आ जाती है, अच्छे हेलमेट हैं। सही है। इसमें आ जाता है यूनिट का आ जाता है ये, अच्छा। ये 1200 रुपए के अभी, डे नाइट वाइजर होता है इसका, ज़बरदस्त। और ये पैडिंग है इसके अंदर से, इसके नाम, इसके बाद ये आ जाता है सुपर एयर के नाम से है, ये भी 1500 की रेंज है, और ये अच्छा हेलमेट है, कलर वगैरह अच्छा किया हुआ, पहले से बेहतर हुआ हुआ है, ठीक है। और एक इसके बाद आ जाता है ये 2500 रुपए का हेलमेट है सुपर एयर के नाम से, ये नियो ग्राफिस के साथ आए हैं अभी, इसमें ये 3 ग्राफिस हैं, ये ब्लैक फुल आ जाता है, ये ब्लू आ जाते हैं ग्राफिस, ये और ये रेड आ जाता है, और इसमें ये ग्रे आ जाता है ग्राफिस। इसके बाद हमारे पास ये अल्फा आ जाता है, इसमें कलर मैट भी है, शाइन भी है, ये मैट ब्लैक है, ये शाइन ब्लैक है, इसमें कलर और फौजी कलर भी मिल जाते हैं ये, और इसमें ये कलर वगैरह मेंशन है सारे, ये आप चेक करें, ये कम रेंज में आ जाते हैं, 1800 की रेंज में। अच्छा, ये सारे 1800 की रेंज में आ जाते हैं।
इसके अलावा ये फ्लिप अप हमने 6500 की रेंज में आपको ये 6000 रुपये वाला दिखाया नहीं था। कलर बहुत प्यारा ग्राफिक्स है, ये चैन बना हुआ है ना ऊपर। ये बैक सुपर एयर के नाम से अच्छा हेलमेट है ये भी। इसमें भी ग्लासेस होती है, इसमें 5 वेंटिलेशन होते हैं जी। दो इसकी बैक साइड पे हैं ये वाले, दो फ्रंट पे हैं, एक आगे है। ये बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स है, कार्टून के हेलमेट बना होता है ये, जैसे ये क्रोम वाइजर के साथ है। इसकी मार्केट में 10,000-9,000 प्राइस है अभी। हेलमेट हाउस पे आपको 8.5 की मिल जाएगी। फ्लिप अप हेलमेट है और ये सर्टिफाइड है, डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है ठीक है। मॉडल नंबर 261 है इसका और ये अच्छा हेलमेट है। एक क्रोम वाइजर चिकन दिखाएं हमें ज़रा, चिकन आप देख लें, ये देखें इसमें कलर वगैरह आपको मिल जाएंगे। कलर ये देखें, ब्लू बड़ा प्यारा कलर है, उसके बाद रेड शाइन में आ जाते हैं। ये मैट में रेड था आपको दिखाया मैंने। इसके बाद ये सुपर एयर के नाम से हेलमेट आ जाते हैं, ये क्रोम वाइजर के साथ सुपर एयर हेलमेट है। ये भी डॉट सर्टिफाइड है और ये सर्टिफाइड चेक करें आप इस, और ये कम रेंज में 8,500 रुपये जी। इन सारे पर हमारे पास फ्लिप अप हेलमेट काफ़ी, उसके बाद ये वॉल्ट आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा। ये भी 11,000 रुपये के हैं और ये ग्लासेस है इसके अंदर, और ये भी सर्टिफाइड हेलमेट है। ये एक्सल साइज़ है, डबल है सर, बड़े होते हैं ना जिनके उनके लिए ये। और इसके बाद ये जिकाई के नाम से हेलमेट है, 111। ये इसकी 8,000 प्राइस है अभी और ये भी डॉट सर्टिफाइड है ठीक है। इसमें आपको और कलर वगैरह ये मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जिकाई के नाम से है, ये 12,500 प्राइस है इसकी। ये भी कलर वगैरह अच्छा है, यानी कि 12,000 का। इसमें कलर मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे इसमें। अच्छा वही भाई, हम वहाँ से इधर आ गए जी। इसके बाद हम आपको ये बंद वाले हेलमेट हैं, आगे से ये फ्लिप नहीं होते ना आगे, ये फ्लिप नहीं होते। ये रेंज इसकी कम होती है, वेक्टर के नाम से है ठीक है। ये डॉट सर्टिफाइड है ये भी, और ग्लासेस भी है इसमें, और इसकी पैडिंग भी वॉशेबल है, और इसकी रेंज है 9,000 रुपये। ये इसमें ये कलर वगैरह आपको मेंशन हो जाएगी, इसी का इसमें ये कलर ये भी आ जाता है वेक्टर के नाम से, ये कलर भी है इसमें, और इसमें ये कलर पड़ा है इसमें। इसके अलावा 9,000 की रेंज में ऊपर भी हैं कलर वगैरह और मैंचिंग, आप वीडियो में दिखा चेक। आप हेलमेट हाउस में तशरीफ लाएँ इंशाल्लाह, वैरायटी नई हर महीने बाद वैरायटी नई आ जाती है हमारे पास, एक मंथ बाद नई वैरायटीज एडजस्ट हो जाती है, बीच में काफ़ी वैरायटीज बढ़ी है आपके पास ना। रेगुलर मैं चक्कर लगाता रहूँगा इंशाल्लाह, अपडेट। बहुत शुक्रिया सर। और रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेट का इशू नहीं होता। ये तकरीबन कितने टाइम तक ये रेट रहेगा, अगर अंदाजन एक बताया जाए तो? 2 मंथ, एक माह तो चलते हैं रेट, एक मंथ चलता है, उसके बाद रिवाइज होते रहते हैं। बाकी आपकी टाइमिंग जो है वो क्या है शॉप की? जो इंपोर्टेड हेलमेट होते हैं ना उसमें डायरल की वजह से आप डाउन होते हैं। सही है। ये सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक। इसी टाइम आप ऑनलाइन डील इसी टाइम पे? ऑनलाइन भी कस्टमर को मंगवाना चाहे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई सर, इंशाल्लाह आपके पास चक्कर लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह दोबारा, नेक्स्ट जैसी आपकी वैरायटी अपडेट होती है। बाकी इसके अलावा हमारा अपना यूट्यूब चैनल है वहीद हेलमेट हाउस, एक हेलमेट हाउस के नाम से है, दो चैनल है। इनके चैनल को भी देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये अपनी वैरायटी अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे पास हम जब चक्कर लगा तो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।